Hi friend, this is Aasim from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of Indian contract at 1872 which is mentioned in our case mat. Case ka naam hai Lalman Shukla versus Gauri Datt, ye 1913 ka case hai. Aur ye jo case hai wo mukhya roop se knowledge of offer pe based hai. To chaliye ab is case ke brief fact pe aate hain. इस केस में जो डिफेंडेंट होता है वो मालिक होता है और प्लेंटिव जो है वो उसका नौकर होता है. तो डिफेंडेंट का नेफ्यू जो है घर से भाग जाता है तो डिफेंडेंट अपने नौकर प्लेंटिव को उसे ढूंढने के लिए भेजता है और बोलता है कि जाओ जाके ढूंढो उसे कि वो कहाँ चला गया है. तो वो जो प्लेंटिव होता है वो डिफेंडेंट के नेफ्यू को ढूंढने के लिए चला जाता है. इसी बीच डिफेंडेंट जो है हैंडबिल इशू करता है जिसमें कहता है कि जो कोई मेरे नेफ्यू को ढूंढ लाएगा उसे 501 रुपया रिवार्ड दिया जाएगा. तो ये इशू कर देता है. उसके बाद होता क्या है कि प्लेंटिफ इसी बीच में जो है डिफेंडेंट के नेफ्यू को ढूंढ के ले आता है लेकिन उसको इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि डिफेंडेंट ने इस तरह का कोई नोटिस इशू किया है. और उसे इस बात की जानकारी तब मिलती है जब वो डिफेंडेंट के नेफ्यू को ढूंढ करके उसके सामने ले आता है. जब उसको इस बात की जानकारी लगती है कि डिफेंडेंट ने तो इस तरह का हैंडबिल इशू किया था 501 रुपया का तो वो बोलता है कि हम आपके नेफ्यू को ढूंढ के ले आए तो हमको दीजिए. तो डिफेंडेंट जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है रिवार्ड देने के लिए. तो प्लेंटिव जो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट में केस कर देता है. जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहती है इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर. कोर्ट कहती है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के कंस्टिट्यूट होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए. देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस अनलेस देयर इज नॉलेज ऑफ ऑफर. और जब तक नॉलेज ऑफ ऑफर नहीं होगा तब तक एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है. प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो जो प्लेंटिव था उसके पास नॉलेज ऑफ ऑफर नहीं था. नॉलेज उसको तब हुआ जब वो डिफेंडेंट के नेफ्यू को ढूंढ कर के ले आया घर पे. उसके बाद उसको नॉलेज हुआ. नॉलेज ऑफ ऑफर उसके पास नहीं था इसलिए उसे रिवार्ड नहीं दिया जाएगा. तो ये कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है. तो इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट यही है. आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं. थैंक यू सो मच.